Today's lecture on de Broglie hypothesis and de Broglie wavelength. The phenomena of interference, diffraction and polarization can be explained on the basis of wave theory of light. These phenomena shows that light have wave nature. The phenomena of photoelectric effect, Compton effect, discrete emission and absorption can be explained on the basis of quantum theory of light, according to which light is propagated in small packets or bundle of energy h nu. These packets are called photons or quanta. These phenomena shows that light have particle nature. Thus, we can say light have dual nature. तो यहाँ पे wave particle duality आ गई. तो in 1923-24 में de Broglie ने क्या कहा कि nature जो है symmetry exhibit करता है. Nature में symmetry होती है. जिस तरीके से radiation जो है particle nature show कर रहा है, उसी तरीके से particle भी wave nature show करेगा. तो इस आईडिया को लेते हुए उन्होंने फिर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दिया. ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है कि इन 1923-24 लुइस डी ब्रॉगली मेड एन बोल्ड सजेशन, ऑल मैटर्स यूजुअली थॉट एज ए पार्टिकल शुड एग्जिबिट अ वेव लाइक बिहेवियर. इन्होंने यही कंसेप्ट लिया कि नेचर एग्जिबिट अ सिमेट्री. इफ रेडिएशन कैन एक्ट एज ए वेव, मटीरियल पार्टिकल ऑल्सो एक्ट एज ए वेव. ठीक है, तो ये आइडिया लेके इन्होंने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दिया था. तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे. डिस्कस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डिस्कस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ऑब्टेन द इक्वेशन, obtain the equation for first part है de Broglie wavelength of matter waves second part है in terms of kinetic energy third part hai de Broglie wavelength associated with an accelerated charge particle और fourth है इसका de Broglie wavelength in terms of thermal energy, in terms of the thermal energy. State here discuss de Broglie hypothesis, obtain the equation for de Broglie wavelength for of matter waves, de Broglie wavelength in terms of kinetic energy, de Broglie wavelength associated with accelerated charge particle, de Broglie wavelength in terms of thermal energy. तो देखो यहाँ पे एक दिखा भी रखा है कि एक लड़का दौड़ रहा है और फिर वो दौड़ रहा है तो उसके साथ नीचे एक वेव भी एसोसिएट दिखा रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं तो हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएट है अभी हम, लेकिन उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे कि वो वेव किस तरीके की होगी या क्या होगा, बाद में देखेंगे. चलिए तो फिर इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं. इन 1923-24 de Broglie proposed that the idea of dual nature of
moving material, material को हम matter भी बोल सकते हैं, matter particle. और इन्होंने क्या कहा, every material particle has a wave associated with it as it moves at velocity comparable to velocity of light. Inverted comma close. अगर कोई मटेरियल पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी. द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल आर नोन एज मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव्स. एंड द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय और एक्सप्रेस्ड बाय लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी. वेयर एच प्लैंक कांस्टेंट है, पी मोमेंटम है मूविंग मटेरियल पार्टिकल का और लैम्डा वेवलेंथ है मैटर वेव की. In 1923-24, de Broglie proposed that the idea of dual nature of moving material particle, every material particle has wave associated with it as it moves with velocity comparable to velocity of light. The wave associated with moving material particle are known as matter wave or de Broglie wave, and the wavelength of matter waves is given by lambda equal to h upon p. तो डी ब्रॉगली ने यही कहा कि जिस तरीके से रेडिएशन पार्टिकल नेचर शो करते हैं वैसे ही पार्टिकल भी वेव नेचर शो करेंगे जब वो मूविंग स्टेट में होंगे. तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, पी इज अ मोमेंटम. और इस एक्सप्रेशन में जो हमारा पी है वो मोमेंटम है, मोमेंटम हमारा पार्टिकल प्रॉपर्टी होता है, और जो हमारा लैम्डा है, ठीक है, ये लैम्डा है, लैम्डा है वो हमारा वेव प्रॉपर्टीज होता है. तो आप इस एक्सप्रेशन में देख रहे हो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. तो अगर पार्टिकल प्रॉपर्टी डोमिनेट कर रही है तो वेव प्रॉपर्टी उसकी कम हो जाएगी, और अगर वेव प्रॉपर्टी डोमिनेट कर रही है या कह लीजिए प्रोमिनेंट है तो हमारी पार्टिकल प्रॉपर्टी कम हो जाएगी. दोनों प्रॉपर्टी एक साथ ऑब्जर्व नहीं होंगी, साइमल्टेनियसली दोनों प्रॉपर्टीज हमें एक साथ नहीं मिल सकती हैं. द पार्टिकल प्रॉपर्टीज एंड वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. पार्टिकल प्रॉपर्टीज है जैसे मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, वेव प्रॉपर्टीज है जैसे वेवलेंथ हो गई, फ्रिक्वेंसी हो गई. तो अगर पार्टिकल प्रॉपर्टीज डोमिनेट कर रही हैं तो वेव प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी, और अगर वेव प्रॉपर्टीज डोमिनेट कर रही हैं तो पार्टिकल प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी. तो वन करके हेडिंग डाल लीजिएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, है ना, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेशन है ये हमारा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स. तो हम क्या करेंगे, पहले हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कह लीजिए या वेवलेंथ कह लीजिए, हम फोटोन के लिए कैलकुलेट करेंगे या मासलेस पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करेंगे. फिर कहेंगे कि डी ब्रॉगली ने क्योंकि सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये सजेस्ट किया कि रेडिएशन जैसे पार्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है तो वैसे ही रेडिएशन जैसे पार्टिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है वैसे ही पार्टिकल भी वेव प्रॉपर्टी शो करेगा, और वही वेवलेंथ रखेगा, वही एक्सप्रेशन होगा. तो फिर हम उसको उससे रिप्लेस कर देंगे डी ब्रॉगली के सजेशन से, ठीक है. तो पहले फोटोन के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक हाइपोथेसिस द लाइट हैज इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की जगह हम
जो है सी बाय लैमडा रख सकते हैं, तो ई इक्वल टू एच सी बाय लैमडा, दिस इज इक्वेशन वन। फिर हम आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी एक रिलेशन ड्राइव करके आ चुके हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर। और फोटोन के लिए या मासलेस पार्टिकल के लिए एम नॉट जीरो होता है, तो एम नॉट जीरो रखा तो ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर और ई इक्वल टू पी सी, इक्वेशन टू। दोनों को इक्वेट कर दिया इक्वेशन वन एंड टू को, तो एच सी अपॉन लैमडा इक्वल टू पी सी, यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जहां पे लैम्डा हमारा वेव प्रॉपर्टी है, वेव लाइक प्रॉपर्टी या वेव प्रॉपर्टी, वेव नेचर, जहां पर पी हमारा पार्टिकल नेचर है। तो डी ब्रॉगली ने क्या सजेस्ट किया, जैसा ये हमारा इक्वेशन फोटोन के लिए एप्लीकेबल है वैसे ही हमारा मटेरियल पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। और मटेरियल पार्टिकल के लिए पी जो है एम वी होता है, तो पी की जगह हमने एम वी रख दिया, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के लिए है, वेदर इट इज चार्ज पार्टिकल एक्सीलेटेड एट अ सम पोटेंशियल वी और इट इज अ न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल एक्सीलेटेड एट थर्मल एनर्जी, ये सबके लिए वैलिड है, चाहे पार्टिकल चार्ज हो या अनचार्ज हो, चाहे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में करना है, और इसमें भी हमारे दो केस होते हैं, एक रिलेटिविस्टिक केस होता है, एक नॉन रिलेटिविस्टिक केस होता है। रिलेटिविस्टिक केस का मतलब क्या है, वी इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जो हम अभी लास्ट में रिलेटिविटी पढ़कर आए हैं वहाँ पे हम ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं, वहाँ के एक्सप्रेशंस यूज करेंगे जब रिलेटिविस्टिक केस लेंगे। और अभी हम जो आज डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक कर रहे हैं, तो नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या है, व्हेन वी इज वेरी वेरी लेस देन सी। तो आज हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए कर रहे हैं, पार्टिकल मूव विद नॉन रिलेटिविस्टिकली दैट इज वी इज वेरी वेरी लेस देन सी। तो अगर v इज वेरी वेरी लेस देन c है तो उस केस में m इक्वल टू m नॉट हो जाएगा और v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड। तो d ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m नॉट v, ठीक है। फिर क्या करा हमने, हम जानते हैं नॉन रिलेटिविस्टिकली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो हमने क्या किया, इस 2 को इधर लेफ्ट में ले गए, तो यहां से ये हो गया 2k इक्वल टू एम नॉट वी स्क्वेयर। फिर हमने एम नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर एम नॉट स्क्वेयर वी स्क्वेयर इक्वल टू 2 एम नॉट के। यहां से हम एम नॉट वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो आएगी अंडर रूट 2 एम नॉट के, इस वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा हमारा एच अपॉन अंडर रूट 2 एम नॉट के। ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है व्हेन पार्टिकल इज मूविंग नॉन रिलेटिविस्टिकली और काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, उस केस को कंसिडर करके लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम नॉट के आया। चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलेटेड बाय पोटेंशियल v, तो काइनेटिक एनर्जी k कितनी हो जाती है, qv। अब k की जगह हम qv रख सकते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 m नॉट qv, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 m नॉट qv, ठीक है। वेयर q क्या है, चार्ज है पार्टिकल का, v पोटेंशियल है m नॉट, ठीक है। इफ चार्ज पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज q इज एक्सीलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल v, देन वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग चार्ज पार्टिकल k इक्वल टू qv रख दिया। और इलेक्ट्रॉन के केस में मैंने आपको बोला था कि लैम्डा कैलकुलेट करके बताइए, हाँ किसने कैलकुलेट कर लिया है, मैंने। चलिए तो इलेक्ट्रॉन के लिए यही आ रहा है आपका, मैम 28 की जगह 27 आ रहा है, बस 12.27। देखिए कुछ बुक कुछ वही अभी राउंड ऑफ के ऊपर है, 12.24 भी हो सकता है, 12.27 भी, 12.28 अंडर रूट वी,
कुछ भी रख दीजिए लास्ट में, वो ये एक दो डिजिट का जो मैंने आपको बताया वो एरर रह गई, वो राउंडिंग के ऊपर है। और प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू होती है 6.625 × 10²⁴ सेकेंड। एक चीज है देखिए, इसमें हम वैल्यू रखेंगे 6.6 तो अलग आएगा, 6.25 रखेंगे, कितने डिजिट तक हम वैल्यू रख रहे हैं और कहाँ तक राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे सबके आंसर थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे, बट जो आप वैल्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंग ही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो 6.625 × 10²⁴ जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10²⁻¹ कूलम। एम नॉट होता है 9.1 × 10²⁻³¹ kg इलेक्ट्रॉन के लिए, तो लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 150/V एंगस्ट्रॉम। तो अगर इलेक्ट्रॉन का केस है हम डायरेक्टली ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर वी हमारा वोल्ट्स में है। ठीक है, और ये हमारा जो कैलकुलेट होकर आएगा ये एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट होकर आएगा। तो ये केस टू लिखा है यहाँ पे, केस टू की जगह जो हमने क्वेश्चन लिखा है उसका हमारा ये फोर्थ पार्ट है कि अगर हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ थर्मल एनर्जी, तो इफ गैस मॉलिक्यूल मूव एट सम टेम्परेचर टी आफ्टर रिसीविंग थर्मल एनर्जी, द मोशन अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी हो जाता है ½ NKT। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो कैपिटल के है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए है, और जो स्मॉल के है वो स्मॉल के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिए, जो कैपिटल के हम नोटेशन यूज कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज करते हैं, जो स्मॉल के है वो हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए करते हैं। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए N3 होता है, डायटॉमिक के लिए 5 होता है। तो हम फिलहाल मोनोएटॉमिक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 KT आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम जो अभी पीछे लैम्डा कैलकुलेट करके आए हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इक्वल टू H/√2m0K, इस K की जगह पुट कर देंगे। तो K की जगह पुट करोगे तो 3/2 KT, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू H/√3m0 KT, जहां पर कौन सी चीज क्या है, वेयर H प्लैंक कांस्टेंट है M0 मास है गैस का, गैस मॉलिक्यूल, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है,